नमस्कार, स्वागत है आपका माय ज्योतिष में। जानिए त्रिपुरा में चलने वाले खर्ची पूजा के बारे में। खर्ची पूजा में लाखों लोग उमड़ते हैं, लेकिन इस बार कोरोना गाइडलाइन के चलते इसमें सीमित लोगों ने ही भाग लिया है। प्राचीन समय में धार्मिक आयोजन स्थानीय आदिवासी करते थे, लेकिन बदलते समय के साथ अब यह पूजा केवल आदिवासियों की ही नहीं अपितु समस्त त्रिपुरापुरवासी की है। क्या है इस परंपरा से जुड़ी कथा। प्राचीन समय में राजा त्रिलोचन की रानी हीराबती एक दिन नदी पूजा करने जा रही थी कि उन्हें आवाज़ सुनाई दी कि रानी माँ हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो। फिर उन्होंने अपना परिचय 14 देवताओं के रूप में दिया। देवताओं ने कहा कि हमारे पीछे राक्षस रूपी भैंसा पड़ा है, जिसके डर के कारण हम सेमल के पेड़ पर बैठे हैं। यह सुनकर रानी माँ ने कहा, मैं साधारण स्त्री तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ। देवताओं ने रानी से कहा कि तुम अपना रिया बक्षस्थल ढकने वाला कपड़ा इस भैंस पर डाल दोगी तो ये शांत हो जाएगा, उसके बाद इसकी बलि दे देना। रानी ने ऐसा ही किया। इसके बाद रानी ने इन 14 देवताओं को राजमहल ले गई। तब से यह 14 देवता राज परिवार के साथ साथ समस्त आदिवासी जाति के कुल देवता हैं। प्रति वर्ष इसी तिथि को इन 14 देवताओं की पूजा की जाती है। जानिए इस परंपरा से जुड़ी अन्य रोचक बातें। खर्ची पूजा में जिन 14 देवी देवताओं की पूजा की जाती है, उनके नाम हैं हर, उमा, हरि, माँ, वाणी, कुमार, गणप्पा, विधि, पृथ्वी, समुद्र, गंगा, शिखी, काम और हिमाद्री। इन देवताओं की पूर्ण मूर्तियां नहीं है, केवल सिर की मूर्तियां हैं। इनमें 11 मूर्तियां अष्ट धातु की हैं और शेष 3 मूर्तियां सोने की हैं। इन देवताओं के आदिवासी नाम किसी को मालूम नहीं है। केवल मंदिर का पुजारी, जिसे चंताई कहते हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी उसका उत्तराधिकारी ही जनता चला रहा है। पूजा के दिन मुहूर्त पर चंताई राजा की वेशभूषा में आगे आगे चलता है और इससे आगे होता है उसका अंगरक्षक, जो तलवार ढाल लेकर चलता है।